तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। और लोगों के दिमाग में एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा डर है कि मैं डार्क वेब अगर यूज़ करूँगा या डार्क वेब की वेबसाइट्स के ऊपर जाऊँगा तो मुझे तो बहुत ही दिक्कत हो सकती है, पुलिस वगैरह पकड़ लेगी और वायरस वगैरह आ जाएगा कंप्यूटर में। तो चिंता मत करो, अब मैं आ चुका हूँ। आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर डार्क वेब कैसे एक्सेस कर सकते हो। प्लस मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि एक्सेस तो करो पर आपको एक्सेस करते वक्त क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होंगी, जिससे कि आप लोग कभी भी कोई प्रॉब्लम में ना फंसो, कोई वायरस ना आपके कंप्यूटर में आए, कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आइए हम लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। आपको सबसे पहले क्या करना है, डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए एक ब्राउज़र की ज़रूरत होगी। और ब्राउज़र के ऊपर बढ़ने से भी पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाह रहा हूँ, इसी डार्क वेब को एक्सेस करने की एक एंड्रॉयड के ऊपर भी मेरी वीडियो पड़ी हुई है, जिसके ऊपर काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं, 2 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हैं, काफ़ी पॉपुलर वीडियो रही। अगर उसे देखना है आपको तो डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक है, आप डार्क वेब अपने एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर भी यूज़ करके मज़े उठा सकते हो। ठीक है, फिलहाल कंप्यूटर के ऊपर बात करते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक ब्राउज़र को डाउनलोड करना है जो कि डार्क वेब को एक्सेस कर सके। उसके लिए आपको गूगल क्रोम पे जाना है, वहाँ पे लिखना है टॉर ब्राउज़र। ठीक है, आपने टॉर ब्राउज़र लिखा, टॉर ब्राउज़र लिखने के बाद यहाँ पे देखिए पहली जो वेबसाइट है टॉर प्रोजेक्ट, इसके ऊपर लिखा हुआ है डाउनलोड टॉर प्रोजेक्ट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे देख सकते हैं वेबसाइट का इंटरफेस किस टाइप का है। आपको सिंपल से क्या करना है, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से यहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। लाइक मेरा विंडोज़ है तो मैं डाउनलोड फॉर विंडोज़ के ऊपर क्लिक करूँगा। और यहाँ पे देख सकते हैं 91.4 MB का एक exe फाइल हमें डाउनलोड होता दिख रहा है। ठीक है, ये टॉर ब्राउज़र का सेटअप है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, टॉर ब्राउज़र कोई नॉर्मल ब्राउज़र की तरह नहीं है, लाइक गूगल क्रोम फायरफॉक्स इस टाइप का ब्राउज़र नहीं है। गूगल क्रोम फायरफॉक्स पे आप लोग अपने इंटरनेट की मैक्सिमम स्पीड को यूटिलाइज करते हो और मज़े उठाते हो बहुत ही फास्ट इंटरनेट का। बट जब आप लोग टॉर के ऊपर सर्फ कर रहे होते हो और वहाँ पे आप लोग जैसे डग डग गो हो गई या फिर कोई डार्क वेब की सर्च इंजन हो गया उसके ऊपर जब आप लोग सर्फिंग करोगे ना, वो काफ़ी स्लो रहने वाली है। अब ये स्लो क्यों होती है, ये आपकी प्राइवेसी के लिए स्लो रखी जाती है, बट इसके ऊपर हम लोग कभी और चर्चा करेंगे। फिलहाल तो आज हमारा यही टॉपिक है कि कैसे यूज़ करें, कैसे स्टार्ट करें। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि सेटअप मेरा हो गया, इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा और टॉर ब्राउज़र को जो सेटअप है बहुत ही अच्छे से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख पाओगे, इसको ओके कर दीजिए, जो भी डिफ़ॉल्ट लोकेशन दी गई है इसके ऊपर ही हम लोग इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो रहा है। अब याद रखना, आप लोगों को डरने की भाई 1% भी ज़रूरत नहीं है कि यार अगर मैं डार्क वेब पे गया तो पुलिस मेरे घर आने वाली है, अगर मैं यहाँ पे गया तो भाई मुझे तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा अगर आप मेरे बताए रास्तों के ऊपर चल रहे होगे। ठीक है, यहाँ पे देख पाओगे इंस्टॉलेशन बिल्कुल परफेक्ट हो गया हमारा। यहाँ पे मैं इस सेक्शन को हटा दे रहा हूँ क्योंकि ये शॉर्टकट क्रिएट करने के लिए मुझे कोई शॉर्टकट चाहिए नहीं। रन टॉर ब्राउज़र, और अगर आप लोग यहाँ से रन नहीं करना चाहते तो टॉर ब्राउज़र आप लोग अपने डेस्कटॉप के ऊपर भी देख पाओगे। टॉर ब्राउज़र का एक फोल्डर होगा, इसके अंदर अगर आप लोग देखोगे स्टार्ट टॉर ब्राउज़र नाम से एक एप्लीकेशन दी होगी, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करके टॉर ब्राउज़र को स्टार्ट कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ रन टॉर ब्राउज़र के ऊपर हम लोग क्लिक करके फिनिश कर देते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, यहाँ पे देख पाओगे आप लोग कि कनेक्ट टू टॉर का एक सेक्शन खुल रहा है। अब आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की क्या, ये जो टॉर ब्राउज़र है, ये टॉर ब्राउज़र जब फर्स्ट टाइम ओपन हुआ, ठीक है, ये टॉर ब्राउज़र फर्स्ट टाइम ओपन हुआ तो ये देखो फुल स्क्रीन में नहीं ओपन हुआ। आप लोगों ने क्या ये चीज़ नोटिस की कि नहीं नोटिस की। अब देखो इसका भी एक लिंक है, लिंक किससे, सिक्योरिटी से लिंक है। अगर मैं अपने गूगल क्रोम को ओपन करता हूँ या फिर फायरफॉक्स को ओपन करता हूँ तो आप लोग देखो क्या होता है। लाइक मैं यहाँ से गया, गूगल क्रोम को मैंने कटआउट कर दिया और यहाँ पे अब मैं गूगल क्रोम ओपन करता हूँ, फिलहाल इस विंडो में हो रहा है, बट फिर भी गूगल क्रोम मेरा ज़्यादातर फुल स्क्रीन विंडो में होता है। बट टॉर ब्राउज़र के हिसाब में क्या कहा जाता है कि टॉर ब्राउज़र को फुल स्क्रीन विंडो के ऊपर नहीं यूज़ करना चाहिए। अब देखिए ये चीज़ एक मिथ है या फिर रियलिटी है, ये मुझे उतना आइडिया नहीं है क्योंकि इसके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं की। मैं एक ब्लॉग पढ़ रहा था, आपको मैं ब्लॉग का वो जो आर्टिकल है उसकी यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी दिखा पा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो जैसी विंडो खुली है उसी पे आप लोगों को सर्फ करना है। आपको ना उस विंडो को छोटा करने की कोशिश करनी है ना बड़ा करने की कोशिश करनी है। सिक्योरिटी मेजर्स को हम लोग बिल्कुल अपने सपोर्ट में लेके चलेंगे कि अगर वो मिथ भी है, वो गलत चीज़ भी है तो भी कोई बात नहीं, मुझे सिक्योर रहना है तो मैं इतनी विंडो पे भी डार्क वेब यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, वैसे लगता नहीं मुझे, मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, लगता नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है, बट क्यों हम लोग रिस्क लें। ठीक है, मैं अपने लिए रिस्क उठा सकता हूँ बट आप लोगों के लिए रिस्क नहीं दिलवा सकता। ठीक है, चलिए
अब इतना हो गया सेक्शन, अभी आपको क्या करना है, ऑलवेज कनेक्ट ऑटोमेटिकली इसके ऊपर आप लोगों को टैप कर देना है, ताकि जब भी आपका टॉर ब्राउजर खुले वो टॉर के नेटवर्क से हमेशा कनेक्ट हो जाए अपने आप, आपको बार बार कनेक्ट करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको दबाना है कनेक्ट, ठीक है। यहाँ आप देखिए इस्टेब्लिशिंग कर रहा है, ये कनेक्शन को बढ़िया से बना रहा है। और अब देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, ये कंप्यूटर टू कंप्यूटर, नेटवर्क टू नेटवर्क वेरी करता है। कि देखिए मेरे में यहाँ पे जल्दी से कनेक्शन हो गया, हो सकता है आपका नेट का स्पीड थोड़ा सा धीमा हो, आपके में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगे, तो चिंता ना करना, पेशेंस रखना, हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी फिलहाल आप लोग यहाँ पे देख पाओगे कि जो हमारा डार्क वेब है वो कुछ अजीब सा लग रहा है। आप लोग सोचोगे कि यार यहाँ पे डार्क वेब, ये कैसा डार्क वेब है। यहाँ पे देखो, जैसे गूगल सर्च इंजन होता है ना, वैसे एक सर्च इंजन है डग डग गो, जिसे माना जाता है काफ़ी सेफ सर्च इंजन है। तो यहाँ पे डग डग गो का सेक्शन दिया है, बट हमको तो डार्क वेब पे सर्च करना है। अगर आप लोग अच्छा डग डग गो के ऊपर कुछ भी सर्च करते हो, लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हैकिंग और एंटर करता हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ नॉर्मल सर्च में और डार्क वेब के सर्च में अंतर क्या होता है। देखो हैकिंग लिखा, अब यहाँ ऊपर देखो URL बार पे, आप लोग अपने कंप्यूटर में देख पाओगे, यहाँ पे ये जो नॉर्मल सर्च इंजन है ना, ये हम लोगों को HTTPS वाली, ये जो नॉर्मल सी वेबसाइट्स होती हैं www. करके जो होती है ना, ये वाली वेबसाइट्स के URL दे देते हैं। लाइक यहाँ पे देख सकते हैं www.fortnite.com वगैरह वगैरह, ठीक है। बट जो डार्क वेब वाला सेक्शन होता है वो कुछ हटके, वो कुछ अलग होता है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ। अब आपको देखिए एक स्ट्रैटेजी से डार्क वेब को एक्सेस करना है। स्ट्रैटेजी से कैसे, हम लोग अभी सरफेस वेब पे हैं, मतलब जो हमारा नॉर्मल इंटरनेट है ना, हम लोग उसके ऊपर है। अब यहाँ से हम लोग डार्क वेब में कैसे जाएंगे, टॉर ब्राउजर में तो खुल गया, बट डार्क वेब में कैसे जाने वाले हैं। देखिए आपको यहाँ पे सर्च करना है टॉर्च सर्च इंजन, ठीक है। अब देखिए ये जो टॉर्च है ना, ये डार्क वेब का सर्च इंजन है। हमारे नॉर्मल वेब का क्या सर्च इंजन होता है, गूगल, बट डार्क वेब पे क्या होगा भाई, डार्क वेब के लिए भी कोई सर्च इंजन होना चाहिए ना, तो डार्क वेब का सर्च इंजन है टॉर्च, याद रखिएगा टॉर्च, टॉर्च सर्च। आप यहाँ पे टॉर्च सर्च इंजन लिख सकते हो, एंटर जैसे ही कर दोगे आप लोगों को काफी सारे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। बट हम लोगों को ज्यादा रिजल्ट्स की तरफ नहीं जाना है, हम लोगों को सिंपल से ये जो फर्स्ट वेबसाइट है ना dark.link, इसके ऊपर चले जाना है। इसके ऊपर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। अब ये जो dark.link है, हम लोगों का मेन मकसद ही था कि इस वेबसाइट तक पहुंचना, और इस वेबसाइट का क्योंकि मुझे URL याद नहीं था, तो मैंने टॉर्च सर्च इंजन से इसका URL एक्सेस कर लिया, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे इन लोगों ने टॉर्च सर्च इंजन को एक्सेस करने का, यहाँ पे देखिए विजिट करने का एक यहाँ पे URL दे रखा है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि अभी यहाँ कोई URL आपको देखने को नहीं मिल रहा है, बट मैं आपको URL दिखाना चाह रहा हूँ। अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और ओपन लिंक इन न्यू टैब करता हूँ, तो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे आपको एक URL देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब ये URL आपका इस नॉर्मल URL से देखो कितना अलग है, और इस URL के लास्ट में एक खास चीज़ होती है .onion, onion का मतलब प्याज, ठीक है, यही होता है इसके आखिर में। अब इससे आप लोग पता कर सकते हो कि आप लोग डार्क वेब की वेबसाइट यूज़ कर रहे हो या सरफेस वेब की वेबसाइट यूज़ कर रहे हो, ठीक है। बट अब मैं आप लोगों को एक खास टिप देना चाहूँगा, ये जो सर्च इंजन है ना टॉर्च, ये हमेशा वर्क नहीं करता। आप लोग जब मेरी एंड्रॉयड की वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने दिखाया है टॉर्च सर्च इंजन काफ़ी अच्छा चल रहा है, बट इस समय देखो, इस समय टॉर्च सर्च इंजन खुलने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम ले रहा है। तो अब आप सोचोगे कि अब मैं डार्क वेब कैसे एक्सेस करूँ। अब यहीं पे आप लोगों को थोड़ा सा आपका दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि डार्क वेब की जो वेबसाइट्स होती ना हमेशा चलती नहीं रहेंगी, कभी रुक सकती हैं कभी चल रही हैं, ऐसा होता है उनके साथ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यही जो dark.link है ना, इसी के ऊपर आप लोग देखो, यहाँ पे देखो होम एक्सप्लोर और मार्केट्स का सेक्शन है, आप यहाँ पे होम के ऊपर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। होम पे जब आप लोग क्लिक करोगे तो आपको देखिए यहाँ पे अलग अलग डार्क वेब का सेक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। बट अब यहाँ से कुछ वेबसाइट्स पे आप लोग जा सकते हो, बट आप लोग एक चीज याद रखना, अब मैं आप लोगों को सिक्योरिटी मेजर्स समझा दे रहा हूँ। डार्क वेब की किसी भी ऐसी वेबसाइट के ऊपर जहाँ पे आप लोगों को एडल्ट कंटेंट, जहाँ पे आप लोगों को ड्रग डीलिंग, जहाँ पे आप लोगों को मर्डर या फिर स्किन सप्लाई जैसा कुछ भी दिख रहा हो, ठीक है, वहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर आप लोग एज अ मतलब सिर्फ देखने के पर्पज़ से जाते हो, ठीक है,
तो भी आपके लिए खतरा है। क्यों खतरा है? दो चीज आप लोगों के साथ हो सकती है। पहली चीज, वहां पे अगर मान लीजिए कोई भी एडल्ट कंटेंट है या फिर कोई भी ऐसी चीज है जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो उस अट्रैक्शन में आके अगर आपने क्लिक किया तो कुछ जावास्क्रिप्ट के कोड हो सकते हैं या फिर कुछ ऐसे कोड्स हो सकते हैं जो बैकग्राउंड में रन कर सकते हैं। और आपके पास अगर कंप्यूटर की बहुत अच्छी नॉलेज नहीं है तो उससे क्या हो सकता है, आपके कंप्यूटर में कोई भी वायरस आने का खतरा हो सकता है। तब आप लोग सोचोगे कि यार लो मज़ा तो किरकिरा हो गया, अब तो मैं यूज़ ही नहीं कर सकता, डार्क वेब लग रहा है, अब तो भाई काफ़ी प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल नहीं, आप लोग तब तक यूज़ कर सकते हो। देखो मैं छुपाऊंगा नहीं, मैं भी बहुत सारी वेबसाइट घूम चुका हूँ, जितनों का मैंने नाम लिया मैं सब घूम चुका हूँ, बट अभी तक मैं सेफ इस वजह से हूँ क्योंकि मैं उनको घूमने के साथ साथ काफ़ी सिक्योरिटी का भी ध्यान रखता हूँ। कोई भी अननोन लिंक अगर आपको कुछ भी बोले डाउनलोड करने को, कोई एक्सटेंशन ऐड करने को, कभी भी क्लिक मत करना, कभी भी नहीं गलती से, ठीक है। घूमो टहलो हर जगह बट क्लिकिंग नहीं करना। अब ये अगली बात रही कि भाई क्या पुलिस वगैरह का चक्कर हो सकता है, अभी मैं दिखा रहा हूँ किस जगह पे पुलिस का चक्कर हो सकता है। फिलहाल मैं अगर मैं ये देखिए ये सारी डार्क वेब की लिंक्स हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट क्लिक कर रहे हैं, सारी के ऊपर ही मैं कर दे रहा हूँ, देखता हूँ कि कौन सी वाली ओपन होती है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं पहली वाली शायद कोई खुल गई है। अब यहाँ आप लोग देख पाओगे कि पोटेंशियल आइडेंटिटी लीक आ रहा है, अगर आप कोई भी वेबसाइट को ओपन करते हो ना, यहाँ पे देखिए गायब हो गया है, बट ये इस टाइप से आ रहा था। ओके भाई किस्मत मेरी कितनी गजब है यार, टॉर्च खुल गया भाई। ये टॉर्च मतलब अभी तक खुल नहीं रहा था बट खुल गया। अब आप लोगों को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपका टॉर्च खुल गया है ना, डार्क वेब का आपको दरवाजा मिल चुका है, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, ये डार्क वेब का दरवाजा है। मैंने 2 साल इसके ऊपर बहुत घूमा है, 2 साल मैंने टॉर्च के ऊपर नया क्या क्या समझ लो ना, क्या क्या ही नहीं मैंने सर्च किया होगा। बट आप लोग हमेशा याद रखना, देखिए अगर टॉर्च नहीं खुल रहा था आपका, अगर मान लेते हैं कि एग्जांपल में टॉर्च नहीं खुल रहा, तो आप लोग इन वेबसाइट्स के ऊपर भी विजिट कर सकते हो। बट एक चीज़ याद रखना, वो जो मैंने आपको वो पॉपअप दिखाया था ना, उसको कैसे आपको फिक्स करना है या फिर उस पॉपअप का कैसे सही टाइप से यूज़ करना है, वो आपको दिखाना चाह रहा हूँ। मैं वापस से इन वेबसाइट्स को यहाँ से ओपन करता हूँ, राइट क्लिक करके विजिट। आई थिंक सो, ये देखिए पॉपअप आया। देखिए यहाँ पे 2 आपको सेक्शन मिल रहा है, लोड एनोनिमसली और यहाँ पे लोड नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मली, ठीक। एनोनिमसली का मतलब क्या हो रहा है कि एनोनिमस रह करके आप उस वेबसाइट के ऊपर जा सकते हो। एनोनिमस मतलब अपनी आइडेंटिटी को हाइड करके उस वेबसाइट पे जा सकते हो। तो मैं हमेशा प्रेफर करूंगा लोड एनोनिमस, ठीक है। आप एनोनिमस रह के उस वेबसाइट को लोड करो, ओके कर दो। वेबसाइट थोड़ी धीमी चलेगी, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बट सिक्योरिटी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है डार्क वेब पे, ओके। अभी फिलहाल तो मुझे और कुछ जानने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि भाई यहाँ पे टॉर्च खुल चुका है यार। टॉर्च वन ऑफ द बेस्ट सर्च इंजन है डार्क वेब का, हम लोग जानते हैं, और इसके ऊपर आप लिटरली कुछ भी सर्च कर सकते हो। मुझे जैसे गेम हैकिंग में काफ़ी इंटरेस्ट है, ठीक है, मुझे गेम हैकिंग में काफ़ी इंटरेस्ट है। मैं इंटर करता हूँ, यहाँ पे देखिए सर्च मैंने दबा दिया है। अब हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम ले क्योंकि ये जो डार्क वेब्स होते हैं ना, ये थोड़े से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं नॉर्मल इंटरनेट से, इनके ऊपर सिक्योरिटी रीजंस ज़्यादा होते हैं। आप इनकी अगर स्ट्रक्चर देखोगे, कभी मैं इसका स्ट्रक्चर बताऊंगा कि ऑनियन राउटिंग कैसे होती है, कैसे ऑनियंस बनते हैं, मतलब कैसे इनका जो नोड्स होते हैं कैसे कनेक्शन बनाते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि क्यों ये स्लो है। अभी देखो टॉर्च में ये जो सर्चिंग है ना, ये काफ़ी स्लो हो रही है, ये हो जाता है कई बार। अभी जब तक ये सर्च कर रहा है तब तक हम लोग दूसरी चीज़ों को भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे एरीज है, मेगा मार्केट है, और भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये जितनी भी विजिट के सेक्शन है ना, इन पे आप लोग जाके विजिट कर सकते हो। बट मैंने सिक्योरिटी रीजंस जो आपको बताएं वो हमेशा याद रखना। और एक चीज़ और याद रखना, टॉर ब्राउज़र के साथ आप लोगों को VPN यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप सोच रहे होगे कि भाई एक VPN भी लगा के चलूं तो बढ़िया रहेगा, कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि टॉर ब्राउज़र आपकी आइडेंटिटी छुपाने में सफिशिएंट काम करता है। VPN उन लोगों के लिए ज़रूरी है जिनका मतलब जिनके देश में टॉर ब्राउज़र यूज़ करना बैन है, या फिर टॉर ब्राउज़र खुलते ही या फिर डार्क वेब खुलते ही सरकार उनको घेर लेती है, तो वो लोग VPN वगैरह लगा करके एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की लेयर बनाते हैं। बट ये देखो, ये मेरा ओपिनियन है, VPN लगाने का कोई मतलब नहीं है। मैं बहुत समय से, देखो मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं बहुत समय से डार्क वेब यूज़ करता आया हूँ, और मैं तुमको फिर बता रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा कि मैं कहाँ कहाँ गया हूँ, बट मैं तुमको फिर बता रहा हूँ, मैंने बहुत कुछ एक्सेस किया है, बहुत कुछ देखा है, आज तक कुछ नहीं हुआ। आप भी देख के कर सकते हो, कुछ नहीं होगा, बट
गलत वे में मेरी बात को मत लेना, हम लोग सिक्योरिटी को भी ध्यान में रख के चलेंगे। मैं किसी को भी इनकरेज नहीं कर रहा हूँ गलत काम करने के लिए, ठीक है, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैंने क्या किया। और आप लोग भाई डार्क वेब के आगे लिख के एक, मतलब मैं कीवर्ड बता रहा हूँ, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोगों को डार्क वेब की कमाल कमाल की वेबसाइट्स के बारे में बताऊँ, तो आप लोग भाई एक कीवर्ड लिख सकते हो डार्क वेबसाइट, आगे एक दिल बना के मुझे बता सकते हो, इंडिकेट कर सकते हो कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आई, ये वाली वीडियो आप लोगों को काफ़ी समझ में आई और आप लोगों को उस वेबसाइट के बारे में भी जानना है। आई होप सो कि इस वीडियो में आप लोगों को काफ़ी मज़ा आया होगा। और अभी तक यहाँ पे सर्च रिजल्ट्स नहीं आए, ये थोड़ा सा स्लो है, तो आप लोग इन वेबसाइट्स के ऊपर विजिट करके मज़े उठा सकते हो और एक्सप्लोर कर सकते हो, ये एक्सप्लोरेशन है, माइंड आपका क्या एक्सप्लोर करता है, ठीक है। आई होप सो कि वीडियो में मज़ा होगा, अगर वीडियो में मज़ा आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली कमाल की वीडियो में।